तो अभी ये वायरस, मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे लिए ये है कि ये किसी मच्छर के द्वारा, चूहे के द्वारा या किसी अन्य जीव के द्वारा नहीं फैल रहा, ये हमारे द्वारा फैलता है, हम उसके वाहन हैं। तो यह समस्या है और ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है, क्योंकि हम इंसान हैं। अभी हमें यह तय करना होगा कि हम एक इंसान हैं या हम एक जानवर हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे होना है। अगर हमें पता है कि कैसे होना है तो इस सरल से नियम का पालन करना कि हम इसे अगले व्यक्ति और अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, ये बिल्कुल संभव है। अगर आप इंसानी जानवर हैं तो आप निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर लज जाएंगे और इसे एक विश्वव्यापी प्रक्रिया बना देंगे। शायद आप वायरस के एजेंट हों। आप हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ही वह एजेंट हैं जो इसे यहां से वहां ले जाते हैं। अभी जब हम यहां बैठे हैं और आप में से कई लोग, आप चाहे जहां कहीं भी हों, अभी हम में से कई लोग लक्षण के बिना वायरस के वाहक हैं। शायद हम में से कई लोगों में ये कभी कोई लक्षण ना दिखाए, शायद हम में से कुछ में ये हल्के लक्षण दिखाए, शायद हम में से कुछ में ये गंभीर लक्षण दिखाए, शायद हम में से कुछ गुजर जाएं, लेकिन हम में से अधिकांश में शायद ये कोई लक्षण ना दिखाए और ये सिर्फ हमसे होकर गुजर जाए। लेकिन शायद हम इसे किसी और को दे दें जिसका जीवन खतरे में है, कोई और व्यक्ति जो हमसे कहीं अधिक असुरक्षित है। तो इसी कारण यह समय यह साबित करने का है कि आप किस तरह के इंसान हैं। सबसे पहले, क्या आप एक इंसान हैं? क्या आप एक इंसान कहलाने के काबिल हैं, या आप बस एक और प्राणी हैं, मजबूरियों से भरा एक प्राणी, या आप एक जागरूक इंसान हैं? अगर आप एक इंसान हैं तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप जानते हैं कि कैसे होना है। अगर आप जानते हैं कि कैसे होना है तो सामाजिक संपर्क, जब आप चुनेंगे, सिर्फ तभी होगा। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप खुद को खुद तक ही सीमित रख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया समय है। कुछ भी न करके आप बेहद संतुष्ट महसूस कर सकते हैं कि आपने दुनिया के लिए कोई बहुत शानदार चीज की है। अच्छा है ना?